और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज हल्की तेजी यहां पर बुलियन मार्केट में देखने को मिल रही है। $1,255 प्रति औंस के करीब है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव, और चांदी का भाव $1,650 प्रति औंस के करीब है। पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड में करीब 2% की गिरावट आई थी, और पिछले हफ्ते 2 महीने में सबसे बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली थी गोल्ड में, क्योंकि जून के महीने में अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना ने मार्केट के सेंटीमेंट को कमज़ोर किया है और इसका सीधा इम्पैक्ट कीमतों पर देखने को मिला है। अप्रैल में US में पुराने घरों की बिक्री अनुमान से ज़्यादा बढ़ी है। ये इस बात के संकेत है कि आर्थिक आंकड़ों के मोर्चे पर फेड के लिए लगातार ब्याज दरें बढ़ाने वाली खबरें आ रही हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं जून के महीने में दरें बढ़ने की संभावना है। कॉमेक्स गोल्ड में हेज फंड्स की बाइंग बढ़ी है, और शुक्रवार को SPDR गोल्ड की होल्डिंग में करीब 1% की बढ़ोतरी यहां पर देखने को मिली थी। SPDR गोल्ड की होल्डिंग 2 नवंबर 2013 के बाद सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच चुकी है। तो ये तमाम ऐसे फंडामेंटल हैं जिससे कीमतों में कहीं ना कहीं एक उतार चढ़ाव का माहौल बनता हुआ दिखा है, लेकिन सबसे बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए जून की बैठक है फेड की, और जिसने मार्केट पर तमाम फंडामेंटल को पीछे छोड़ते हुए दबाव बढ़ाया है। बात करते हैं कच्चे तेल की। क्रूड कीमतों पर दबाव है, करीब 0.5% की नरमी है WTI और ब्रेंट क्रूड में। WTI क्रूड का भाव $48 प्रति बैरल के करीब है और ब्रेंट का भाव $48.5 प्रति बैरल के करीब है। ग्लोबल मार्केट में डिमांड के मुकाबले सप्लाई ज़्यादा होने की बात एक बार फिर से कही गई है। ईरान के ऊर्जा मंत्री ने यह कहा है कि रोज़ाना ग्लोबल सप्लाई डिमांड के मुकाबले 15 लाख बैरल ज़्यादा है, और इससे कहीं ना कहीं कीमतों पर दबाव बनता हुआ दिख रहा है। ईरान ने महत्वपूर्ण बात कही है, ईरान की अगले कुछ महीनों में रोज़ाना एक्सपोर्ट बढ़ाकर 22 लाख बैरल करने की योजना है, और ईरान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि फिलहाल उनकी एक्सपोर्ट और उत्पादन को फ्रीज करने के मुद्दे पर कोई उनका फैसला नहीं हुआ है, कोई इरादा ईरान का ऐसा नहीं है। इससे भी कीमतों पर दबाव यहां पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो आज बहुत ही मिक्स ट्रेंड इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड, सिल्वर और क्रूड में यहां पर देखने को मिला है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सपर्ट जुड़े हैं, हमारे साथ प्रिया चौधरी हैं कार्बी कॉम्ट्रेड की एनालिस्ट हैदराबाद से, और साथ ही हमारे साथ अजय केडिया हैं केडिया कमोडिटी के MD मुंबई से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले प्रिया, आपसे जानना चाहेंगे, मार्केट की ओपनिंग हुई है कमोडिटी मार्केट की और क्रूड में करीब 30 रुपये की नरमी है। आज के कारोबार के लिए क्रूड के ऊपर आपकी कॉल क्या होगी? क्या आपको लगता है कि क्रूड में गिरावट और बढ़ सकती है? जी, मुझे लगता है कि आज कच्चे तेल में और गिरावट देखने को मिलेगी, 3.20 के लेवल पर सेल की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर देखें तो लास्ट वीक इनिशियली क्रूड में अच्छा मूव देखने को मिला था, फिर बाद में इंटरेस्ट रेट हाई की एक्सपेक्टेशन की वजह से निगेटिविटी देखने को मिली थी। वहीं संडे को ईरानियन ऑयल मिनिस्टर की तरफ से बात निकल कर आई है कि वो प्रोडक्शन लेवल और बढ़ाएंगी, तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि आज क्रूड में निगेटिविटी ही देखने को मिलेगी। ओके, ठीक है। अजय केडिया, आपकी कॉल क्या होगी आज क्रूड के ऊपर? क्या आपको लगता है कि जो गिरावट है इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखना चाहिए इंट्राडे के लिए? गुड मॉर्निंग मिस्टर, डेफिनेटली अभी तो मैं बाइंग के साइड ही रहना चाहूंगा। नोडो फंडामेंटल न्यूज हमने जो पास्ट में देखे हैं वो काफी ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुके हैं। नोडो एक टेक्निकली अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो एक साइकोलॉजिकल लेवल है $50 का, वो पार नहीं कर पा रहे हैं, तो हो सकता है करेक्शन मोड आ सकता है $46-50 तक का, बट मुझे नहीं लगता $45 भी तोड़े मार्केट यहाँ से। मुझे लगता है 3220 तक का अगर लेवल मिले तो बाइंग करके चलना चाहिए वापस। मुझे लगता है ये रैली ये हफ्ते में ही वापस तेजी देखने मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब बुलियन मार्केट की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मामूली बढ़त का रुख है गोल्ड और सिल्वर में, लेकिन MCX पर बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड है, ₹14 ऊपर है MCX पर गोल्ड, और चांदी में ₹74 की नरमी है। गोल्ड के ऊपर आपका कमेंट क्या होगा प्रिया? क्या आपको लगता है जून में जो फेड की मीटिंग होने वाली है उसका मार्केट में बड़ा इम्पैक्ट दिखना शुरू हो गया है, लेकिन क्या आज और आप दबाव की संभावना देख रही हैं गोल्ड में? कि आज सोने में थोड़ी बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो वेडनेसडे को 20 मिनट्स आए थे उसके बाद कंटिन्यूस 3 डेज हमें गिरावट देखने को मिली है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि आज थोड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। हालांकि आज US, यूरोजोन और UK से फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा आने वाला है, वहीं फेड मेंबर्स की तरफ से स्पीच भी आई, जिसकी वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन ओवरऑल आज मुझे लगता है लोअर लेवल बाइंग भी रखनी चाहिए हमें। तो अगर 29,650 का लेवल मिलता है तो वहां से बाय करें, टारगेट 29,900 और स्टॉप लॉस 29,560 का मेंटेन करें। ओके, आपकी कॉल आज के लिए अजय केडिया, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर क्या होगी?
मित्र जी, मुझे लगता है नो डाउट हमने फेड के ब्रेड का काफी अच्छा करेक्शन आते हुए देखा। जो टेक्निकल एक सपोर्ट देखे थे हम 1256 डॉलर का देखे थे, वो ब्रीच कर चुका है। तो आज मंडे का डे है, थोड़ा रिट्रैक्ट कर सकता है। मुझे लगता है 29850 तक का अगर जंप आता है वहां पे देख के चलिए। जब तक गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट से 30,000 के नीचे ट्रेड कर रहा है, 10 वीक ही रहेगा जो नीचे में 29,500। वहीं अगर चांदी की बात करें तो हम गोल्ड सिल्वर रेशियो को ट्रैक कर रहे हैं, जिसमें दिखा रहा है कि गोल्ड के मुकाबले चांदी ज्यादा स्टेबल और पॉजिटिव रह सकती है। बट जैसे कि बेस मेटल भी करेक्शन मोड में, तो मुझे लगता है चांदी भी 40,200 तक का अगर जंप आता है वहां पे देख के चलिए, 39,500 तक का एक इनिशियल ट्रेड मिल सकता है। ओके, आपका कमेंट प्रिया चौधरी, सिल्वर के ऊपर क्या होगा? क्या गोल्ड के मुकाबले आपको सिल्वर ज्यादा अट्रैक्टिव काउंटर लग रहा है बाइंग के लिहाज से इंट्राडे में? जी, मुझे लगता है कि आज सिल्वर में बाइंग के ही लेवल लेके चलनी चाहिए। अगर 39,500 का लेवल मिलता है तो वहां से बाइंग करें, टारगेट 39,900 का और स्टॉप लॉस 39,250 का मेंटेन करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स पर प्रिया चौधरी, आपकी टॉपिक आज के लिए क्या होगी? जी, मुझे आज टॉपिक कॉपर लग रहा है। कॉपर को 311 के लेवल से सेल करें, टारगेट 305 और स्टॉप लॉस 314 का रखें। अभी जैसे कि कंटिन्यूस गिरावट के बाद एलएमए में थोड़ी बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल चाइना की तरफ से वीक डिमांड है, तो मुझे लगता है कि आज कॉपर में सेल की स्ट्रेटजी लेकर चलें। ठीक है, आप एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। सोयाबीन में इंट्राडे में आपकी कॉल क्या है अजय केडिया? सोयाबीन में मुझे लगता है लास्ट वीक के करेक्शन के आज हफ्ते में रिबाउंड रहेगा, 39,50 की रेंज पे बाय करके चलिए, ऊपर में 4,020 से 4,050 के लेवल सोयाबीन में देखेंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया अजय केडिया आपका और प्रिया चौधरी आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन अगर आप पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं तो आपके लिए मेंथा एक अट्रैक्टिव काउंटर हो सकता है। बिकवाली की रहे 880 पे, लक्ष्य होगा 840 का और 920 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये लक्ष्य आपको एक हफ्ते में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही।